बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5B सेवन्थ एडिशन बुक है और बुक D1 ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इफ़ y इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू हमें गिवन की गई है और y कहता है कि y की वैल्यू फाइंड करें और जबकि x की वैल्यू आप 12 रखें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। y एज इट इज़ आ जाएगा 3/5b और जस्ट x की रिप्लेसमेंट में हमने क्या लिखना है, 12 कर देना है, ये x की जगह पर 12। अब स्टूडेंट्स, एक्स जो है ये नंबर के बिल्कुल साथ अटैच है, जो चीज़ बिल्कुल साथ अटैच है उसके दरमियान में कोई साइन मौजूद ना होता वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ पर एक्स की रिप्लेसमेंट में 12 लिखने के बाद ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूरी करें, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या 26 है एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये वाई फिर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 12 ये कटिंग तो नहीं हो रही ना इसके साथ और ना इसके साथ, फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 आ जाएगा, 36/5 प्लस ये 26। अब स्टूडेंट्स हम इनका एलसीएम लेना चाहते हैं, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये मैंने रेड से इसका 1 लिख दिया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है उस पर आप 1 पर डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपको फैक्टर बनाने में और एलसीएम लेने में आसानी आ सके। 5/1 का एलसीएम ले तो वो तो 5 ही आ जाएगा। एक लंबी सारी लाइन खींचें और ऊपर 36 लगाएं, यहाँ पर एक नंबर की स्पेस छोड़ दें, अभी इसमें कुछ ना लिखें, प्लस ऊपर वाला नंबर फिर लिखें और एक की स्पेस छोड़ दें और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करके बनाएं कि कितने टाइम वो बनता है। 5/1 = 5, इसका टेबल जहाँ तक पढ़ के ये नीचे वाला बनाना होता है, फिर इसका टेबल इधर यहाँ तक, मतलब ये दोनों नीचे वाले को यहाँ पर टेबल पढ़ने के बाद ये चीज़ आनी चाहिए, 1/5 = 5 and 5/1 = 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो अंदर वाला नंबर हैं जो पहले ब्लैंक छोड़ देने, बाद में इनको फील्ड कर लेना है। फिर आगे सिंपली है तो स्टूडेंट्स ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया 36 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई, 26 को 5 से ये मल्टीप्लाई किया 130, तो ये 130 आ जाएगा, क्योंकि आप 6 इस क्लास में आप लोगों को कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, इस वजह से आप मल्टीप्लाई करते जाएं, रफ वर्क साइड पे कर लिया करें। इसको फिर इसमें ऐड किया तो 6 में 0 तो 6, 3 में 3 तो 3 और 1 एज इट इज़ आ गया 136/5, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। अब इसे स्टूडेंट से राउंड करके कन्वर्ट कर लें, 166/5 पर डिवाइड करें, ये जो नीचे है 5/3 = 15, 1 कैरी आएगा, 1 सॉरी नीचे आ जाएगा और यहाँ से 6 आएगा और 5/3 = 15 और 1 नीचे आ जाएगा जो कि हमारा रिमाइंडर हुआ करता है। अब ये नंबर बड़ा है ये छोटा, अब और इसे नहीं कर सकते, फिर इसे राउंड कर देंगे, 1 ऊपर चले जाएगा और 33 साइड पर आ जाएगा और ये जो 5 है ये नीचे आ जाएगा, ये देखें 5 हम इसे नीचे में लिख लेंगे। इसी का पार्ट 2 है, ए इज इक्वल टू y² - xyz, ए की वैल्यू कहता है कि आप फाइंड करें इफ़ दिस, ये वैल्यू गिवन की हुई है बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5B का। ए इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू उसने दी हुई है 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू है -3। अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर देंगे, ए एज इट इज़ आ गया, ए इज इक्वल टू का साइन लगाएं। अब यहाँ पर y की रिप्लेसमेंट में हमने लिखना है -1, अब y के रिप्लेसमेंट में -1 आ गया लेकिन y के तो ऊपर स्केयर था, अब ये माइनस और 1 ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऊपर स्केयर लगाएं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और x की रिप्लेस, x एंड z जब अल्फ़ाबेट इकट्ठे लिखे जाते हैं इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की रिप्लेसमेंट में 2 आ जाएगा और z की रिप्लेसमेंट में हम -3 लिख देंगे। उसके बाद फिर इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ जहाँ भी प्लस माइनस आ जाता है बाहर ये ब्रैकेट्स के बाहर, वहाँ वो टर्म्स ब्रेक हो जाती हैं। अब यहाँ तक एक वैल्यू ये ब्रेक हो चुकी है, आगे नई वैल्यू नई टर्म शुरू हो चुकी है, अब ये ब्रैकेट्स के अंदर है, ये एक ही टर्म है और यहाँ पर अगर फिर प्लस या माइनस आ जाता तो एक नई टर्म आगे स्टार्ट हो जाती। अब इसको सॉल्व यहाँ तक करेंगे, इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, अब ऊपर स्केयर है, माइनस के ऊपर जब भी स्केयर होता है मतलब इवन नंबर्स की पावर आ जाती है, 2 आ जाती है, 4 आ जाती है, 6 आ जाती है, तो वो अंदर वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके स्टार्ट में देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, तो वो प्लस हम स्टार्ट में नहीं लिखा करते, 1 की जितनी मर्जी पावर लेते हैं 1 1 ही रहता है, प्लस भी आएगा और 1 हो जाएगा, प्लस हम नहीं लिखेंगे। अब इसे सेकंड, ये जो माइनस है ये अगली वाली वैल्यू के साथ लिंक्ड है, ये इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 हो गया, ओवर में 5 है एज इट इज़, 1 में 6 ऐड किया 7/5। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है इसे कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे 5/1 = 5, नीचे 2 रिमाइंडर में आ जाएगा, इसे रोटेट करें 2 ऊपर और 1 साइड पे और ये जो 5 होगा ये नीचे चले जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, ये दो क्वेश्चन कर लें, बाकी के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।